Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, question 7 देखते हैं. Question 7 के अंदर हमें दिया हुआ है limit z tending to 1. z to the power 1 by 3 minus 1 upon z to the power 1 by 6 minus 1. Write down करता हूँ मैं question को. Now, limit z tending to 1. z को 1 से tend किया गया है. And z to the power 1 by 3 minus 1 upon z to the power 1 by 6 minus 1. Now student, अब अगर यहाँ पर मैं z को directly 1 रखता हूँ, तो आप denominator में देखिए, denominator में 1 to the power 1 by 6 हो जाएगा minus 1. Denominator में 1 to the power 1 by 6 minus 1. अब 1 to the power 1 by 6 क्या होता है? 1 ही होता है, और 1 minus 1 कितना हो जाएगा? 0, तो ये 0 आएगा denominator में जो not divided है. तो अब डायरेक्टली हम पुट नहीं कर सकते, अब आपको कुछ और करना हो. नाउ सिंस न्यूमरेटर में अगर आप देखें, न्यूमरेटर में क्या है, जेड टू दी पावर 1 बाई 3, मैं क्या कर सकता हूं, इसे 1 बाई 6 के अंदर कर सकता हूं. किस तरह से, मैं लिख सकता हूं 1 बाई 6 का स्क्वायर, 1 बाई 3 को 1 बाई 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब 1 बाई 6 की मल्टीप्लाई 2 में होगी, पावर पर पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, 1 बाई 6 इंटू 2 कितना होगा 1 बाई 3. तो मैं वही लिख रहा हूं, दिस इज लिमिट z tending to 1, z to the power 1 by 6 की power square minus 1 upon z to the power 1 by 6 minus 1. अब इससे क्या फायदा हुआ? Now student में 1 पर square लिख रहा हूं, since 1 square is 1. अब देखिए, आप अगर यहां पर लें a square minus b square का formula, यहां पर a की जगह क्या है, z to the power 1 by 6, b की जगह 1 है, तो I can write इस formula से a minus b, a plus b, यानी z 1 by 6 minus 1 a minus b and a plus b, z 1 by 6 plus 1, ये लिखा जा सकता है. नीचे आप देखेंगे z 1 by 6 minus 1 आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों जो है डिवाइड हो गए. तो अब आपको क्या मिला, लिमिट z tending to 1, z to the power 1 by 6 plus 1, यहां 1 पुट कर दीजिए, तो z to the power 1 by 6 plus 1, 1 plus 1 equal to 2.